इंदौर के एक अस्पताल से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर कोरोना वायरस की वजह से 87 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई और उनके शव को अस्पताल में चूहों ने कुतर दिया। परिजनों ने शव की हालत देखकर जमकर हंगामा मचाया और इसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर कई संगीन आरोप भी लगाए। जानकारी के मुताबिक इंदौर यूनिक हॉस्पिटल में विनय नगर जैन कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग को 4 दिन पहले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और रविवार सुबह तक भी वो ठीक थे, लेकिन अचानक हॉस्पिटल से सूचना आई कि उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि यदि रात में उनकी डेथ हो गई होती तो उस समय ही अस्पताल बता देता, ताकि उनके शव को चूहों द्वारा कुतरा नहीं जाता। परिवार वाले शव लेने अस्पताल पहुंचे तो उनसे शव की हालत देखी नहीं गई। बॉडी के कान, आंख, नाक, उंगलियां चूहे खा गए थे। अस्पताल प्रशासन ने लाश को सही तरीके से नहीं रखा था। शव की हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल ने करीब 1 लाख रुपए लेने के बाद ही शव परिजन को सौंपा है। अब पूरा मामला सामने आने के बाद इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल में पेस्ट कंट्रोल को लेकर सतर्क हो गया है। वहीं अस्पताल के मालिक डॉक्टर प्रमोद नीमा ने बुजुर्ग के परिजनों से इस मामले में माफी मांगी और सारे पैसे लौटाने की बात भी कही। जी हाँ, आपको बता दें, इंदौर के MY अस्पताल में इस महीने 2 बार लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। अस्पताल की भूल से मार्चुरी में रखी लाश पड़े पड़े कंकाल बन गई थी। कुछ दिनों बाद ही कर्मचारी एक बच्चे की लाश को फ्रीजर में रख कर भूल गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।